हेलो स्टफ, क्या कर रहे हैं? आज जा रहे हो कहाँ? रथ यात्रा, रथ मेला। देखो ये यहाँ से ऐसे दिखता है। चलो चलो चलते हैं फिर, पैदल चलो। 20 जून, आज रथ मेला घूमने जा रहे हैं और ये रांची का जगन्नाथ मंदिर के सामने जो रथ है वहीं पे जो मेला लगा हुआ है, जिसको बड़कागढ़ के नाम से जानते हैं, तो ये बड़कागढ़ का मेला हम लोग घूमने जा रहे हैं। और इस तरह से अभी मंदिर का जो निचला भाग, जो रोड है, मेला लगा हुआ है, वहाँ मेला पे हम लोग पहुँच चुके हैं। भीड़ काफ़ी ज़्यादा है और साथ में बहुत ज़्यादा गर्मी लग रहा है, क्योंकि अमूमन जो होता है कि जो रथ यात्रा रहता है उस समय बारिश होती है तो मौसम थोड़ा सा उतना गर्मी नहीं रहता है, लेकिन इस बार का जो रथ मेला है, रथ यात्रा है, पूरा गर्मी में चारों ओर आप देख सकते हैं पूरा सूखा ही सूखा है, पानी का कोई नाम निशान नहीं है और इतना गर्मी कहना मुश्किल है। और ऐसे ही हम लोग अभी निकले हुए हैं, मेला के अंदर जा रहे हैं प्रकाश के साथ में। यहाँ पे लोग साइड में आज देख सकते हैं कि उतना भीड़ नहीं है और जगह खाली है, दुकान भी पूरी तरह से लगा नहीं है, जबकि हमेशा का जो रथ मेला होता है उसमें बहुत ज़्यादा भीड़ और चारों ओर दुकान ही दुकान नज़र आते हैं लोगों से। यहाँ तक इस तरह से इस रोड में चलना भी मुश्किल हो जाता है। मिठाइयों के दुकान भी बहुत कम है यहाँ पर, देख रहे हैं बहुत ज़्यादा है। लोगों का आना जाना इस गर्मी में मेरे ख्याल से उतना नहीं रहा है। अब देखेंगे, 10 दिन तक तो यहाँ पर मेला लगेगा और 10 दिनों के अंदर में शायद लोगों का जमावड़ा बढ़ेगा, लेकिन अभी देख सकते हैं इधर झूला वगैरह, यहाँ जो है मौत का कुआं है, फिर उधर बड़ा बड़ा जो झूला है, इन झूलों पर भी लोग नहीं बैठे हैं, खाली ही झूला घूम रहा है, जिस तरह से बहुत काफ़ी झूले तो खड़े हैं। और जो भीड़ है बहुत कम है, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है और घूमने में इतना पसीना पसीना हो जा रहा है, शरीर तरबतर हो जा रहा है, इतना कड़ी धूप में घूमना बहुत मुश्किल लग रहा है, कहना ही मुश्किल इसको तो खुद अनुभव करने से। जिस तरह से देख रहे हैं झूला, काफ़ी कम लोग, यानी कि ना के बराबर काफ़ी झूले तो ऐसे ही घूम रहे हैं जहाँ कि लोग बैठे भी नहीं हैं। और इस तरह से किनारे का जो दुकान सब है कुछ तो इस तरह से तिरपाल में बंद। और देखिए इधर प्रकाश जाना चाह रहा था, मैंने पूछा उसको कि बैठेगा वो, तो बोलता है कि बहुत बड़ा झूला है और कोई बैठा नहीं है तो मैं इसमें नहीं बैठूंगा बोल के। आप लोगों को दिखा रहा हूँ, देखिए इसमें कोई बैठा भी नहीं है और टिकट काउंटर यहाँ पे खाली पड़ा हुआ है, एक आदमी शायद झूला को ठीक कर रहा था। तो इस प्रकार से देखिए झूला का आनंद लेने वाला भी कोई नहीं है।